Welcome back to another brand new video. My name is Arbir Singh और आपका स्वागत है मेरे चैनल की एक और brand new video पर। तो सबसे पहले तो sorry, काफी दिन बाद video आ रही है और आज की video बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज की video में मैं कुछ facts के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि 2020 के end तक या उसके बीच में हो सकते हैं। तो और आप देख रहे होंगे मेरी न्यू मतलब शर्ट जिस पे मैंने आर्ट वेब का लोगो बनाया है और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो फिर मर्चेंडाइज भी लॉन्च हो जाएगी ना हमारे चैनल पर। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं, पर उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर से कर देना, ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर से कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव ऑन टू आवर इंट्रो। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। माय नेम इज रवि सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो हेलो व्हाट इज द पीपल, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। माय सो हेलो व्हाट इज द ब्यूटी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड। सो हेलो व्हाट इज द ब्यूटी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। माय नेम इज रवि सिंह। सो गाइस इंट्रो तो हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ हमारे फैक्ट्स जो कि हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो कि 2020 तक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पबजी मोबाइल के बारे में जो कि लॉन्च होने जा रही है 14th November, यानी कि कल को दिवाली वाले दिन। तो मैं 13 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और क्राफ्टन जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है वो लिंक कर रही है ग्लोबल नेटवर्क्स विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, तो ये बहुत अच्छा है। तो नवंबर 7 को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ इन्होंने लिंक कर लिया था, बस लॉन्च की देरी है। और पबजी कॉरपोरेशन प्लान कर रही है इस्टेब्लिश उनके मेन लोकल ऑफिसेस इन इंडिया वेयर इट विल हायर ओवर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर करेगी क्योंकि इन्होंने इन्हेंस करनी है कम्युनिकेशन एंड सर्विस टू द पबजी प्लेयर्स, ठीक है ना। तो पबजी कॉरपोरेशन और क्राफ्टन ने सोचा है कि ये 100 मिलियन यानी कि 765 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे इंडिया की लोकल गेमिंग, ई स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इंडस्ट्री में। तो गेमिंग इंडस्ट्री को तो भाई बूस्टअप मिल जाएगा एक तरह से और इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगी। और हम बात कर लेते हैं जो अपकमिंग फोन्स हैं जो कि अभी आ रहे हैं और लॉन्च हो जाएंगे 2020 के एंड तक। तो Xiaomi के तो बहुत फोन्स हैं और सभी फोन्स 5G हैं और बहुत तगड़ी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ Xiaomi Redmi Note 10 Pro सीरीज, तो प्राइस है 19,000 से लेकर या फिर उससे ऊपर और प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 765G का और बैटरी 5100 mAh और एक्सपेक्टेड लॉन्च होगा इसका डेक 2020 को। तो अब बात करते हैं वीवो के धमाकेदार फ़ोन के बारे में जिसका नाम है वीवो 1QOOZ1X सीरीज। तो नाम तो बहुत बड़ा है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था पहले। तो प्राइस इसकी 79,000 से लेकर 25,000 के बीच में होगी और प्रोसेसर भी इसका 765G का ही होगा, बैटरी 5000 mAh और लॉन्च होगा नवंबर 2020। तो Realme X7 सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं जो कि 5G है, सभी 5G हैं और जो कि बहुत तगड़ी सीरीज होने वाली है Realme ने, जो कि मतलब मज़ा ले आ देगी, इतनी अच्छी सीरीज होगी और प्राइस होगी 19,000 से लेकर 30,000 के बीच। तो लॉन्च डेट होगी इसकी डेक 2020 के एंड तक, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम मेरी फेवरेट कंपनी Xiaomi की। तो Xiaomi की K30 Pro फोन लॉन्च हो रहा है, K30 सीरीज भी लॉन्च हो रही है और K30 Pro जो सीरीज है उस मतलब K30 Pro जो फोन है उसकी प्राइस है 52,000 बस, उससे ज़्यादा नहीं। और जो K30 Pro सीरीज है उसकी प्राइस 32,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो सकती है, मतलब उससे नीचे जो होंगी या फिर Pro Max उससे भी ज़्यादा होगी। तो अब इसके अंदर पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो बहुत तगड़ा रखेगी Realme और बाकी स्पेसिफिकेशंस भी एंड लगा देगी, मतलब बहुत अच्छी होने वाली है। और वैसे Xiaomi के तो हर फ़ोन ही अच्छे आ रहे हैं अभी तक तो, और Xiaomi 10X जो कि 5G फ़ोन है बट इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में Realme वालों ने कुछ नहीं बताया, A to Z कुछ भी नहीं बताया। और जो Xiaomi K30 Pro सीरीज है और Xiaomi 10X है ये दोनों साथ में ही लॉन्च होंगे और इसकी डेट के बारे में अभी तक Xiaomi वालों ने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि 2020 के एंड या 2021 में भी लॉन्च हो सकता है अगर हमें लगा तो। तो अब फोन के बारे में तो बात हो गई है और अब हम बात करते हैं बहुत एक्साइटेड गेम जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था जो कि इंडियन गेम है और गेम डेवलपर एनकोर गेम्स जो कि आपको पता ही लग गया होगा कौन सी गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका नाम है 4G। तो ये अक्षय कुमार सर ने
स्पेशली एनकोर गेम्स के कहकर बनवाई है, जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है। बैटल रॉयल गेम तो शायद ना हो, बट ये स्टोरी मोड गेम भी हो सकती है, और मल्टीप्लेयर भी शायद हो, बट बहुत बहुत मज़ेदार होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और ये नवंबर 2020 के एंड तक रिलीज हो जाएगी श्योरली, या फिर नहीं होती तो डेक में तो हो ही जाएगी। और हम बात करते हैं हमारी फेवरेट कंपनी, सबकी है यार, सभी को अच्छी लगती है ये एप्पल। तो एप्पल की जो आईफोन 12 सीरीज है वो बहुत कमाल दिखा रही है, और ये इंडिया में अभी अभी आई है, और इसकी प्राइसेस हो गई हैं क्लियर की इसकी, जो अब प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। आईफोन 12 है वो 79,900 का है, और जो आईफोन मिनी है वो 69,900 का है, और जो आईफोन 12 प्रो है वो 119,900 का है, और जो आईफोन 12 प्रो मैक्स है वो 129,900 का है। तो आईफोन सीरीज बहुत तगड़ी होती है। और सबसे पहले आओ एक एप्पल के बारे में ट्रुथ बनाता हूँ। एप्पल के जो हर एक फ़ोन है वो 35,000 से लेकर 50,000 तक मतलब आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, बट एप्पल फिर भी इनको 1 लाख तक ले जाता है, क्योंकि ये ब्रांड है, ये एक कंपनी है जिसको लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और हर एक फ़ोन को बहुत प्यार मिलता है एप्पल को, तो ये इतना महंगा ले ही जाते हैं। बट कोई लोग ये नहीं सोचता कि इनका मैन्युफैक्चर रेट कितना है, और ये इनकी प्राइस रेंज कहाँ तक चल जाती है, तो इसके ऊपर ज़रूर से गौर कीजिए। और फिर हम बात करते हैं PS4, जो कि न्यू गेम्स लॉन्च हो रही हैं PS4 में और PC में और एक्सबॉक्स में, और उसके बारे में बता देता हूँ। इमॉर्टल राइजिंग डेक 3 2020 को लॉन्च होगी, और ये PC, PS4 और एक्सबॉक्स 1 में लॉन्च होगी। तो साइबरपंक 2077 जो कि डेक 10 2020 को लॉन्च होगी, ये PC में भी चलेगी, PS4 में भी और एक्सबॉक्स 1 में भी चलेगी। और अब बात कर लेते हैं मीडियन, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि बहुत तगड़ी गेम होने वाली है, और ये लॉन्च होगी डेक 10 2020 को, और ये PC, एक्सबॉक्स और एक्सबॉक्स सीरीज X में और लॉन्च होगी। तो ये तीनों गेम्स बहुत गदर होने वाली हैं, ग्राफिक्स सो मतलब मज़ा ही आ जाएगा देखकर। और आज की फैक्ट्स की वीडियो में बस इतना ही, और जल्दी जल्दी से अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, और मेरा गला तो वैसे सूख गया इतना ज़्यादा बोल के। और अब वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो मतलब अगर ये सीरीज़ की वीडियो आपको और देखनी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दिए वी वॉन्ट द पार्ट टू, और मैं पार्ट टू बना दूंगा। और अगर वीडियो मतलब अच्छी लगी तो पता ही है क्या करना है, और अब बस इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अब मैं बताऊँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।